नाम शिवप्रीत कौर कुम्मन है। मुझे शौक है डांस करने का और लोगों को मोटिवेट करने का। शुरू से शौक था एंटरटेनमेंट फील्ड में। ये मेरा आइडिया नहीं था कि मैं नर्सिंग की लाइन में जाऊं। ये मेरे मदर का था। मेरे मम्मी कह रहे कुछ अच्छा स्टडी करो। वो ही बात होती है ना कि अच्छी स्टडी करोगी अच्छा लड़का मिलेगा। यू नो मैं छोटे विलेज से हूँ, अच्छा नहीं समझते थे कोई लड़की डांस करे। मैं दरवाजा बंद करके डांस करती थी लाइक। तो जब भी पता लगना कि मेरे डैडी आ रहे हैं तभी बंद कर देना सब कुछ। तो मेरी BSc नर्सिंग का पहला दिन था। मैं क्लास लगा के वापस आ रही थी और मेरी फ्रेंड स्कूटर चला रही थी, मैं पीछे बैठी थी और वो डिसबैलेंस हो गए, हम गिर गए और मेरा फ्रैक्चर हो गया। तो इसी लेग में मेरे बचपन से ही एक प्रॉब्लम थी जिसे हम AV मालफॉर्मेशन कहते हैं। ये लाखों में से किसी एक को होती है। जब ऑपरेशन हुआ तो वो डॉक्टर ने इस चीज़ पर ध्यान ही दिया और वो केस ख़राब हो गया। मेरे मम्मी हर रोज जाते थे कोई ना कोई डॉक्टर को ढूंढने, क्योंकि हर रोज किसी भी डॉक्टर को के पास जाते थे सभी उनको मना कर देते थे कि हम नहीं कर सकेंगे। तो मैंने मम्मी को एक दिन बोला, मम्मी क्यों जाते हो आप रोज, क्यों जाते हो आप रोज, रहने दो कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो मेरे मम्मी बोले, मुझे रोक मत, मैं तुझे बेड पे नहीं मरने दूंगी, मैं तुझे खड़ा करके छोड़ूंगी। तो ये चीज़ थी, वो उनका स्ट्रॉन्ग माइंड था जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर सकती। जब मैं बेड रिडन थी तो TV देखती रहती और तो कुछ कर नहीं सकती थी, TV देखना म्यूजिक सुनना। तो इंडिया गॉट टैलेंट देख रही थी उस टाइम। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी एक दिन मैं स्टेज पे जाके रहूँगी। तो मेरे मम्मी बोले, हाँ बेटा तुम जरूर जाओगी। पर उस टाइम कोई होप नहीं थी कि मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी, क्योंकि मेरा वेट ओनली लाइक 70 pounds रह गया था, लाइक 30 kg। अपने आप में ग्लास लाइक पानी का ग्लास तक नहीं उठा पाती थी। जब एम्पुटेशन हो गई तो वो मैंने मेरे दिमाग में था कि मैंने मम्मी से कहा है। जब मैं ठीक हुई तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा, मम्मी मैं अभी नर्सिंग में नहीं जाऊंगी, ये मेरी सेकंड लाइफ है, जो मेरा पैशन है मैं उसको फॉलो करना चाहती हूँ। तो मम्मी बोले, हाँ ठीक है तू कर, आई एम विद यू। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आगे जाऊंगी, मैंने सिर्फ ये था कि मैंने कहा है तो मैंने जाना है, मैंने बस करना है। उन्होंने आगे मुझे जजेस राउंड के लिए बुलाया, तो वहाँ भी मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि कुछ बड़ा हो गया कुछ नहीं। मैंने कहा बस एक बार करके आ जाना है, बस ठीक है। आई वॉज सो नर्वस। डांस से पहले कोरियोग्राफर आया मेरे पास, उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने बोला, नर्वस मत हो, यू गोना बी स्टार आफ्टर दिस। आई लाइक, मुझे मैंने दिमाग में सोचा ऐसे बोले जा रहा है। मैं गई स्टेज पे, जब मैंने डांस स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि कोई नहीं देख रहा, तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ अपने आप के लिए डांस कर रही हूँ। जब मैंने डांस ख़त्म कर दिया तब मुझे दिखना स्टार्ट हुआ कि सारे लोग खड़ गए, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। लाइक लाइफ ही चेंज हो गई। पहले तो लाइफ चेंज हुई एक्सीडेंट के बाद, लाइक एक्सीडेंट के दिन फिर चेंज हुई इसके बाद, लाइक परफॉर्मेंस के बाद।